OPJS यूनिवर्सिटी जो कि चलती है राजस्थान चूरू में। चूरू में ये यूनिवर्सिटी है दोस्तों। इस यूनिवर्सिटी के पास हालांकि कई सारे अप्रूवल्स हैं, बट अप्रूवल्स को जानने के लिए कम स्टूडेंट्स हमसे कॉन्टेक्ट करते हैं। पर ज्यादातर स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी कैसी है, क्या आपको यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए, एडमिशन अगर आपने ले लिया है किन किन बातों का आप ध्यान रखें, डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कैसे कराएंगे, जो पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें आप कैसे निकालेंगे, और भी कई सारी बातें जो सवाल अक्सर आप हमसे पूछते हैं। OPJS यूनिवर्सिटी के बारे में काफी हद तक डिटेल्स देने की कोशिश आपको मैं करूंगा। UGC पर इस यूनिवर्सिटी को आप कैसे चेक करेंगे उस पर भी हम बात करेंगे, किन किन बातों का आप विशेष रूप से ध्यान रखें, ख्याल रखें अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। दोस्तों किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले यूनिवर्सिटी की अच्छे से जांच पड़ताल कर लें, यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत अच्छे से जान लें, यूनिवर्सिटी का पास्ट क्या था, अभी यूनिवर्सिटी कैसी है, किस तरह चल रही है, यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल्स कौन से हैं, यूनिवर्सिटी की मान्यताएं पूर्ण रूप से जांच लें और देख लें कहीं यूनिवर्सिटी किसी बैड एक्टिविटी में तो नहीं। सब कुछ जांच पड़ताल करने के बाद ही यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लें, क्योंकि हम आपको वही अपडेट्स दे रहे हैं जो कि अभी फिलहाल यूनिवर्सिटी की डिटेल्स अपडेट है। अपने विवेक से काम लें और यूनिवर्सिटी को जरूर विजिट करें, बिना विजिट करे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसे ही एडमिशन ना लें। OPJS यूनिवर्सिटी के बारे में सभी कुछ चीजें जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरी आपसे गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री है, बट इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाने के लिए। दोस्तों OPJS यूनिवर्सिटी उन्हीं सब यूनिवर्सिटीज में से एक है जितनी टोटल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं अपने देश में। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि अपने देश में सभी यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट जो बॉडी करती है वो है UGC। UGC पर जाने के लिए आप क्या करेंगे, सीधा आप मेंशन करेंगे, यहां पर आकर टाइप क्या करें गूगल पर, सीधा आप UGC डालिए। UGC डालने के बाद में सीधा सामने आएगा लिखकर वेलकम टू UGC न्यू दिल्ली, आप यहां पे क्लिक कर दीजिए। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो UGC की वेबसाइट पूरी खुल जाएगी, इंटरफेस आपके सामने होगा। इस इंटरफेस पर टोटल में आप देखेंगे तो HEI लिखा हुआ है दोस्तों, लिखा हुआ है ना, तो HEI पर जाकर यहां पर लिखा है स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर आप क्लिक करेंगे, क्योंकि अपने देश में बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज है, ऐसी कई सारी यूनिवर्सिटीज है अपने देश में। और अपने देश में जितनी भी टोटल यूनिवर्सिटीज हैं, जितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, उन्हीं में से एक नाम OPJS का आता है। यहाँ लिखा है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर सभी स्टेट्स हैं, तो आप सीधा यहाँ पर राजस्थान में चले जाइए। ये रहा राजस्थान, मैंने क्लिक कर दिया। राजस्थान में टोटल कितनी यूनिवर्सिटीज है दोस्तों, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है टोटल 52 यूनिवर्सिटीज, मतलब टोटल 443 आज की डेट में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अपने देश में है, जिनमें से 52 तो सिर्फ राजस्थान में ही है। राजस्थान में OPJS यूनिवर्सिटी को आप देख रहे हो तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड लिस्ट बनी हुई है, सेकंड लिस्ट पर आप क्लिक कर दो। सेकंड लिस्ट जैसे आप खोलोगे तो यहाँ पर आपको O को चेक करना है, OPJS यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे आ जाएगा। थोड़ा सा आप ऊपर जाइए, ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे OPJS यूनिवर्सिटी 267 नंबर पर यूनिवर्सिटी का नाम लिखा हुआ है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, OPJS यूनिवर्सिटी है, मतलब UGC ने इसको रिकॉग्नाइज किया है कि यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी का यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ है, झुंझुनू यहाँ पे लिखा हुआ है। साथ में ही यूनिवर्सिटी की बात करें, सेक्शन 2F में बनी है, जो UGC एक्ट बोलता है 1956 का, उस एक्ट के तहत यूनिवर्सिटी बनी है सेक्शन 2F में। इसके अलावा आप जाइए अदर डिटेल्स पर आप जैसे जाएंगे तो यूनिवर्सिटी कब बनी है, 16/9/2013 में ये यूनिवर्सिटी दोस्तों बनी है। डेट ऑफ इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय द यूनिवर्सिटी कब हुई है, 8/9/2018 को, मतलब 13 में यूनिवर्सिटी बनी, 18 में सबमिशन हुआ, तो ये मतलब ये नहीं कि सिर्फ 18 से यूनिवर्सिटी ने एडमिशन लिया, 13 से यूनिवर्सिटी ने एडमिशन लेना शुरू कर दिया था। एडिशनल इंफॉर्मेशन कॉल्ड फॉर इंस्पेक्शन पर्पस स्टिल वेटेड, मतलब अभी पर्पस और भी है, मतलब कि जो वेरिफिकेशन यूनिवर्सिटी इंस्पेक्शन होनी है अभी और भी होगी आगे, बट ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी मान्य नहीं है। यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है, व्यू वेबसाइट, आप यहां पर जाएंगे तो जो ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खुलती है opjsuniversity.edu.in, ये इस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियली वेबसाइट है। उम्मीद करता हूं आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपने जाना होगा OPJS यूनिवर्सिटी के बारे में। कोई भी डिटेल्स आप चाहते हैं कमेंट बॉक्स में सवाल पूछें, हम उस पर वीडियो लेकर आएंगे और हो सकता है हम आपकी कोई मदद कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।